हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, एकदम ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पे हो रहा है मॉर्निंग का समय, तो यहाँ पर मैं बना रही थी मॉर्निंग में नाश्ता। तो नाश्ता मैंने बच्चों के लिए बना लिया था, तो यहाँ पर बच्चे वगैरह मतलब सभी खा लेंगे। और फिर आलू के पराठे बना रही थी मैं, तो बच्चे खा कर तो नहीं जाते हैं मेरे, क्योंकि मतलब सुबह सुबह में इतना मन वगैरह भी नहीं करता और भूख भी नहीं लगती है। तो यहाँ पर मैंने आलू की पिट्ठी तैयार कर ली। तो मैंने आलू की पिट्ठी में आलू, प्याज, हरी मिर्चें ख़त्म हो गई थी तो बनाई थी। और यहाँ पर मैंने इसमें धनिया, हरी मिर्च और सॉरी हरी मिर्च नहीं, लाल मिर्च और नमक वगैरह सब कुछ मिक्स करके अच्छे से इसको पिट्ठी को मैं तैयार कर लूँगी। यहाँ पर फटाफट से इसको तैयार करूँगी, इतने बच्चे हो जाएंगे तैयार। तो बच्चे हो रहे थे तैयार दूसरे कमरे में, तो बच्चे वगैरह तैयार हो जाएंगे और उसके बाद बच्चे चल जाएंगे। इसके पापा नीचे हैं, तो मैं ऊपर अपना नाश्ता वगैरह बच्चों के लिए बना रही थी। उसके पापा ना नीचे अपना काम वगैरह कर रहे थे, लिफाफे का ही सामान वगैरह लगाने का। तो यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा फीवर भी हो रहा था और ये बोल रहे थे कि आज मत नहाओ क्योंकि फ़ीवर बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो फीवर की वजह से नहाओगी और फिर से मतलब दिक्कत हो जाएगी तुम्हें। क्योंकि कल भी मैंने 2-3 टाइम दवाई की खुराक खाई और आज भी सुबह में दवाई कि खुराक कह रहे खा ले, तो मैंने मतलब अभी तक चाय वगैरह कुछ नहीं पिया। तो मुझे लगा कि पहले बच्चों को नाश्ता वगैरह कराकर बच्चे स्कूल चल जाएंगे उसके बाद करूँगी। तो मतलब फिर भी मैं नहा ली क्योंकि कान्हा जी की पूजा वगैरह करनी होती है, जोत जलानी होती है, तो इस वजह से मैंने फटाफट से यहाँ पर दिया बत्ती कर ली थी और कान्हा जी को नहला धुला कर तैयार कर दिया था। क्योंकि नहाए बिना काम नहीं चलता, तो मैंने नहा ली थी। और नहाने धोने के बाद यहाँ पर फटाफट से नाश्ता वगैरह बना लूँगी। तो ये अपने लिए भी नाश्ता बनवा रहे थे, तो यहाँ पर फटाफट से मैं इनका नाश्ता सबका तैयार करके उसके बाद करूँगी मैं रूम की। यहाँ पर देखिए फटाफट से मैंने यहाँ पराठे, अपना बच्चे वगैरह तो हम ये छोड़ आए थे स्कूल में, और बच्चे वगैरह के जाने के बाद यहाँ पर मैं फटाफट से दूसरी तरफ आ गई हूँ, तो इनके लिए भी बना रही हूँ। क्योंकि मैंने मतलब अपने लिए चाय बनाई थी, तो मैंने सिर्फ चाय वगैरह ही पी है, रोटी वगैरह कुछ भी नहीं खाया क्योंकि मुझे मतलब मुँह बहुत ज़्यादा कड़वा और था बुखार में, और मतलब टेस्ट भी नहीं बिल्कुल किसी चीज़ का भी आ रहा था। इस वजह से तो मैंने अपने लिए चाय बनाई थी और साथ में बिस्कुट ले लिया था, तो चाय बिस्कुट लेकर मैंने खा ली थी दवाई। और उसके दवाई वगैरह खाने के बाद यहाँ पर इन्होंने समरसेबल चला दिया था नीचे, मैंने फटाफट से सारा पानी वगैरह भर कर रख दिया। तो मैं इनसे बोल रही थी कि वाटर कूलर भरा रखा है तो वो रख दो चौंकी पर, तो मैंने ये चौंकी रख रखी है उसको ऊंचे के लिए। यहाँ पर ये मलाई लाए थे निकाल कर मतलब रोटी के साथ खाने के लिए। और रात में हमने फेनिया बनाई थी मीठी, तो फ्राई पैन में रखी हुई थी फेनिया, इस वजह से मुझे दूध के पतीले में ही मतलब चाय वगैरह इसीलिए मैंने इसमें ही बना दी क्योंकि इसमें दूध रखा भी हुआ था और मतलब मलाई वगैरह भी लगी हुई थी। तो यहाँ पर मैं इन्हीं इन्हीं के लिए बनाऊँगी पराठे। और इसके बाद फटाफट से यहाँ पर ये चाय वगैरह डाल लेंगे। और मैंने तो रोटी बनानी थी तो मैं हाथ वगैरह धोने चली गई थी, तो ये देखिए यहाँ पर चाय भी हमारी अच्छे से उबल कर बन चुकी है और ये डाल लेंगे चाय। और इन्होंने रख दिया था वाटर कूलर क्योंकि ये वहाँ पर रखा हुआ था बीच में, तो फिर मतलब बर्तन वगैरह धोने में तो छींटे वगैरह पड़ती इस पर, इस वजह से गंदा हो रहा था। और ये देखिए यहाँ पर ये भी मेरी हेल्प कर रहे हैं क्योंकि फीवर है, इस वजह से थोड़ा बहुत तो मतलब इनको हेल्प करनी पड़ रही है, वरना तो ये इस तरह के कामों में जल्दी से नहीं आते हैं। मतलब चाय वगैरह बना लेते हैं बट तब बनाते हैं जब मतलब तबीयत वगैरह ज़्यादा ख़राब हो जाए मेरी या कुछ मतलब हो रहा हो तो ही, वरना ये ऐसे काम तो ज़्यादा नहीं करते। तो यहाँ पर फटाफट से ये चाय वगैरह डालेंगे, चाय वगैरह पीने आप सब आई हो आप सोच रहे होंगे एकदम ठीक होंगे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी हो रहा है सुबह का समय, तो सुबह के बज रहे हैं 11 और ये चले गए हैं अपने टूर पर, तो इन्होंने जाना था आज अपने टूर पर शामली, तो ये चले गए हैं। और यहाँ पर बच्चे वगैरह भी सब स्कूल चले गए हैं। मैंने बनाया था नाश्ते में आलू के पराठे, तो आलू के पराठे मेरे बनकर सभी लोग नाश्ता वगैरह करके जा चुके हैं। ये देखिए डिब्बे सारा राशन का सामान खाली हो चुका है, तो ये रखे हुए हैं, तो मैं इनमें किचन में सामान फिल करूँगी। और ये रखा हुआ है मेरा मेकअप बॉक्स, तो ये मैंने कल धोकर साफ करके रख दिया था क्योंकि मैंने यहाँ पर देखिए मेकअप का सारा सामान इस पन्नी में भर कर रख लिया है। और ये मैंने एक सूट निकाला था, सोच रही थी पहले कि इसको सिलवा लूँ मतलब पहनने के लिए, और अभी मैं सोच रही हूँ कि इसको सिलवाती नहीं हूँ और मतलब किचन के लिए मुझे लगा था कि इसका पर्दा वगैरह नीचे का बना लूँ तो बहुत अच्छा लगेगा, वहाँ पर मतलब एक ढकने के लिए पर्दा वगैरह उसको बना लूँ वहाँ पर। तो ये सोच रही हूँ कि पर्दा बना लूँ और डिब्बे में सामान वगैरह लगा लूँ। और अभी बच्चे वगैरह भी स्कूल चले गए, मैं अभी बेडशीट वगैरह भी छाने ही लग रही थी, पर मुझे लगा वीडियो शूट कर लेना चाहिए। तो आज का व्लॉग चलिए फिर यहीं से स्टार्ट करते हैं।
और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले हर एक न्यू वीडियो आप तक डेली डेली ऐसे ही पहुँच सके। और देखिए यहाँ पर फटाफट से मैंने बेडशीट बिछानी शुरू कर दी है, तो यहाँ पर रोड था इस वजह से बिल्कुल मन नहीं कर रहा था किसी भी काम को, और घर के काम मतलब मुझे ही करने पड़ते सारे क्योंकि बच्चे वगैरह तो स्कूल चले गए हैं। वंशिका तो काफ़ी बड़ी हो चुकी है, घर के काम वो कर सकती है, पर एक तो मतलब अभी स्कूल ट्यूशन और फिर बच्चे थक जाते हैं, काफ़ी दूर पड़ते हैं स्कूल। तो वंशिका के और आर्यन के कपड़े रखे हुए थे कुछ बैग में यहाँ पर, तो इन्होंने ये देखे यहाँ पर ये इधर बेड के पीछे छुपा कर रख दिए थे बैग ताकि मतलब बाहर में किसी को दिखे ना। तो फिर इन्होंने बच्चों ने इतना बुरा हाल कर दिया था कि इन पर बैग सामान सभी मतलब कपड़े जो बच्चे उतारते हैं मैले वगैरह तो वो यहाँ पर फेंक देते हैं। मैंने बहुत बार बच्चों को सिखाया है कि मतलब बच्चे कपड़े टोकरी वगैरह में रखे हैं कुछ भी, तो ये देखिए यहाँ पर बैग। तो भी मुझे मतलब रूम मतलब बेशानी आई थी सिर्फ बेडशीट और साथ में इतना सारा फालतू का काम भी, ये देखिए कितना बच्चे फैला देते हैं। और यहाँ पर फटाफट से मैंने पूरी बेडशीट कर लिया ऐसा ही, और ये जो बैग वगैरह रखे हैं तो भी मुझे सोच रही हूँ कि इनको कपड़ों को लगा लूँ, पर रात आना है मेरी सिस्टर, तो सोच रही हूँ कि इसके साथ मिलकर ही फिर कर लूँगी आराम से। और अभी सर में भी पहुँच रहा था, दर्द हो रहा था, तो धीरे धीरे ही सोच रही थी काम, क्योंकि काम भी देख कर बहुत मन हो रहा था कि घर भी गंदा पड़ा हुआ है और अभी मेरे कपड़े भी बहुत सारे मैले रखे हुए हैं और कपड़े वगैरह भी मुझे धोने हैं, तो मतलब बुखार हो खारो कुछ भी हो सब कुछ चलता रहता है, पर घर के काम है जो कि कभी ख़त्म नहीं होते हैं। और देखिए फिर जब जितना मर्जी कर ले फिर भी मतलब ये नहीं कहता कोई, चाहे सास हो चाहे पति हो चाहे कोई भी हो, कि हाँ मतलब किया, तब भी यही रहता है कि कुछ नहीं करते और फिर भी करने के बाद भी। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से बाग वगैरह सब बाहर निकाल कर रख लिए क्योंकि मैं उनको कपड़ों को अच्छे से अलमारी में सेट करूँगी। आज मुझे किसी भी में अलमारी और अपनी मेकअप वैरायटी भी साफ करनी है क्योंकि मेकअप का सारा सामान मतलब डिब्बा बिल्कुल बिखरा पड़ा है, तो सारे डिब्बे का सामान जितना भी है वो सारा इधर उधर बिखरा पड़ा है, तो फिर मैं उसे फटाफट से समेट कर रख दूँगी। चलिए फिर आगे लोग को। और यहाँ पर देखिए आए हुए हैं चाचा जी, तो ये थोड़ा सा मतलब बैठ और ये हमारे चाचा जी थे, तो इनका ना थोड़ा दिमाग में मतलब कि ऐसी ही है जैसे कि फर्क मतलब। और यहाँ पर फटाफट से चाचा जी को मैंने नाश्ता वगैरह करा दिया था, तो वो आलू के पराठे और चाय वगैरह लेकर और उसके बाद 5-10 मिनट बैठे रहे, बातें वगैरह करते रहे, उसके बाद वे चले गए हैं। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ फटाफट से किचन में क्योंकि जब वे आए थे तो मैंने नाश्ता वगैरह उन्हें दोबारा से बना कर दिया था, तो उनके जाने के बाद फटाफट से काम करने लगी हूँ क्योंकि मुझे खाना वगैरह बनाना था। और बच चुके थे 12, एक बजे बच्चे भी आ जाते हैं स्कूल से। यहाँ पर मैंने बनाने शुरू कर दिए बेसन के और लौकी मिलाकर कोफ्ते, तो यहाँ पर मैं लौकी के कोफ्ते बना रही हूँ। और मैंने लौकी को सुबह में छील कर साफ करके धोकर रख लिया था और कद्दूकस करके उसमें डाल दिया बेसन, धनिया, हरी मिर्च, लाल मिर्च और थोड़ा सा नमक, और इन सबको डालने के बाद यहाँ पर ये रखा हुआ था, तो मैंने फटाफट प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक का मसाला भी कर लिया था। तो मैं एक तरफ कोफ्ता तल लूँगी और एक तरफ मसाला रख दूँगी ताकि मेरी सब्ज़ी जल्दी से बन जाए। और यहाँ पर नमकदानी में नमक ख़त्म हो गया था, तो मसाले के लिए मैंने नमक वहाँ से लेकर, और यहाँ पर ये देखिए मैंने इसे मिक्स करना शुरू कर दिया कोफ्ते तलने के लिए, तो मुझे बेसन थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने बेसन और डाल दिया थोड़ा सा। और आप लोग कहेंगे कि बेसन छान कर नहीं डाला, तो ये मैंने छान कर ही पन्नी में डालकर रखा था क्योंकि मुझे इसका डिब्बा बहुत गंदा लग रहा था, तो मैंने इसका डिब्बा धोकर साफ करके रख लिया था, इस वजह से मैंने इसमें डालकर रख दिया था अलग से। तो फटाफट से मैंने वो बेसन को कर दिया साइड में और फटाफट से यहाँ पर मैंने तलने शुरू कर दिए अपने छोटे छोटे से कोफ्ते, तो मुझसे जैसे बन पड़ते हैं वैसे बना लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने मसाला भी भून गया है, और मतलब लौकी की कोफ्ते की सब्ज़ी मेरी फेवरेट सब्ज़ी है, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, इस वजह से मैंने यहाँ पर आज अपने लिए भी और कुछ सिस्टर आई थी तो उनके लिए भी मैंने कोफ्ते की सब्ज़ी ही बना ली सब। वैसे तो बोल रही थी कढ़ी चावल बनाने के लिए, पर मैं कढ़ी चावल कल को बनाऊंगी क्योंकि आज मतलब लस्सी वगैरह नहीं मिली मुझे, तो मैं कल लस्सी मंगवा लूँगी इनसे। और इसके बाद मैं यहाँ पर फटाफट से कढ़ी चावल की तैयारी कर लूँगी, तो मैंने आज कोफ्ते बना लिए तो कल भी बनाऊँगी। अभी अभी तक आए भी नहीं थे, तो अभी मैं सहारनपुर पहुँच चुके हैं और फिर यहाँ आ जाएंगे आधे एक घंटे में, तब तक मेरा खाना बनकर हो जाएगा तैयार और बच्चे भी आ जाएंगे स्कूल से। तो यहाँ पर फटाफट से मैं कोफ्तों को अच्छे से तेज़ गैस करके फ्राई कर लूँगी और सभी कोफ्तों को एक साथ तलने के बाद यहाँ पर मेरा मसाला भी देखिए कितने अच्छे से भून रहा है, तो मैं इसमें पानी वगैरह इसलिए मसाले में ज़्यादा डाल देती हूँ ताकि इसे अच्छे से भून सके। और इसके बाद ये देखिए यहाँ पर हमारे सारे पकौड़े तलकर हो चुके हैं तैयार, और मैंने मसाले में थोड़ी सी डाल दी है मलाई 1-2 चम्मच क्योंकि मलाई से इसका सब्ज़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है और
यहाँ पर फटाफट से मैंने इसमें डाल दिया है पानी, तो मैं इसमें 2-3 गिलास भरकर पानी डाल दूँगी क्योंकि पानी इसमें ज़्यादा लगता है। इसमें पानी मतलब कोफ्ते वगैरह डालने के बाद सारा पानी सोख लेते हैं, तो यहाँ पर कोफ्ते वगैरह की सब्ज़ी मैंने पानी रख दिया था उसमें डालकर पकने के लिए ताकि वो उबल कर अच्छे से बन जाए। और यहाँ पर आ गई हूँ फटाफट से किचन क्लीन करने के लिए, तो मैंने यहाँ पर बर्तन वगैरह साफ़ करने के लिए रख दिए हैं। चूँकि फटाफट से बर्तन वगैरह साफ़ करने के लिए मुझे किचन क्लीन करना था, तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे बर्तन हो रहे थे क्योंकि सुबह में चाय नाश्ते के भी बर्तन हो गए थे और उसके बाद अभी खाना वगैरह बनाया तो उसके भी मैंने सोचा था एक साथ ही मांझ लूँगी, तो फटाफट से यहाँ पर मैंने सारे बर्तनों को मांझ कर अलग निकाल कर रख लिए। मैं साथ के साथ पानी में से निकाल कर ही मांझती रहती हूँ, मतलब एक बार में ही अच्छे से काम निपट जाता है, ऐसे बार बार करने से टाइम वेस्ट होता है। तो फटाफट से यहाँ पर मैंने बर्तनों को धोना शुरू कर दिया है। यहाँ पर फटाफट से सभी बर्तनों को धोकर साफ़ करके यहाँ पर पूरा स्लैब वगैरह साफ़ कर लूँगी। उसके बाद मैं लगाकर आटा रख दूँगी इसी चिरिमची में, क्योंकि ये चिरिमची मेरे पास एक ही है, तो इसमें ही मैंने कोफ्ते वगैरह पहले फ्राई कर लिए थे और उसके बाद मैं इसे ही मांझ कर धो लूँगी अच्छे से। तो धोने के बाद मैं इसे सुखा लूँगी, जब ये अच्छे से सूख जाएगी धूप में तो मैं इसमें आटा लगा कर रख दूँगी और फिर मैं बनाऊँगी रोटियाँ। तो रोटी वगैरह मैं सबके लिए एक साथ बना कर रख दूँगी क्योंकि इसके पापा भी आने वाले होंगे तो वो भी, और बहन भी आने वाली, तो सब एक साथ ही खा लेंगे, तो मैं रोटी एक साथ बना कर रख दूँगी। और यहाँ पर फटाफट से ये सारा काम मेरा निमट चुका है, ये देखिए यहाँ पर पूरा किचन मेरा अच्छे से क्लीन हो गया है। और यहाँ पर आ गई हूँ मैं फटाफट से रोटी बनाने के लिए, क्योंकि मैंने आटा गूंदने की क्लिप भी शूट नहीं की और मतलब सूखने की भी, तो फटाफट से मैंने यहाँ पर आटा वगैरह गूंद कर यहाँ पर बनाना शुरू कर दिया रोटी, क्योंकि मुझे हो रही थी बहुत ज़्यादा जल्दी और मेरी बहन भी आ चुकी थी, बस वे बैठे हुए थे अंदर, तो मैंने उनको कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी देकर मतलब समोसे वगैरह मंगा लिए थे मैंने, तो मैं नाश्ता वगैरह कर रहे थे। यहाँ पर मैं फटाफट से पहले बना लूँगी 2 पराठे, खाना जी को भूख वगैरह लगा लेंगे शिका, तो बच्चे भी स्कूल से आ चुके हैं, सभी आ चुके थे। ये देखिए यहाँ पर बहन आ चुकी थी, तो ये बैठे हुए यहाँ पर चाय कोल्ड ड्रिंक और समोसे मैंने इनको दे दिए थे, तो यहाँ पर ये सब कुछ खा पी रहे हैं। और मैं फटाफट से अपना किचन का क्लीन का काम कर लूँगी और साथ में रोटी बना कर रख लूँगी। चलिए फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद। बैठ कर खा रहे हैं उधर खाना और मैं इसी के साथ इस वीडियो को करती हूँ एंड। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़, ताकि मैं आगे भी इसमें रिव्यू कर सकूँ, मतलब किस चीज़ की कमी है क्या कमी है तो मैं उसको दूर कर सकूँ। तो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।